Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Divya Jain. So guys, अपने टाइटल के थ्रू पढ़ ही लिया होगा, आज मैं करने वाली हूँ फेस चार्ट मेकअप चैलेंज। बेसिकली ये है कि मैं यहाँ पे फेस चार्ट लगा लूंगी, अब देख लेना, मैं उसके जैसे मेकअप ट्राई करूंगी करने के लिए। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं अपना 110% दूंगी उस चीज को पूरा कंप्लीट करने के लिए, बट आपको लुक लास्ट में देखने मिल जाएगा। साथ में मैं पिक्चर्स भी ऐड कर दूंगी, आप वो भी देख लीजिए। तो जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं। तो आपने पिक्चर देख ही लिया होगा, फर्स्ट उसमें बचा है आपको आईब्रोज करने, तो मेरे को आईब्रो हाइड करना पड़ेगा, मैं हाइड किए बिना नहीं कर सकती। तो उसके लिए फर्स्ट मैं इसको स्टिक करने के लिए ग्लू यूज करूंगी, आप कोई भी ग्लू लीजिए। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बट मुझे नहीं मिला, तो मैं ग्लू यूज करूंगी। अब वॉशेबल ग्लू यूज करना ताकि वो वॉश हो जाए, फिर उसको आप अप्लाई कीजिए और सूखने दीजिए। सूखने में टाइम लेगा बट हो जाएगा, 3-4 बार अप्लाई कीजिए बट वो होगा। बाकी आप देखते जाइए, मैं साथ में करती हूँ, आप भी देखते जाइए। तो फर्स्ट हम लेफ्ट आईब्रो पे ट्राई करते हैं, आप देखिए। आपको इसको रिवर्स में भी लेना है ताकि वो अंदर भी अच्छे से लग जाए। मेरी आईब्रोस यहां पर भी है तो मैं यहां पे भी लगाऊंगी। अच्छे से लगाने के बाद आपके पास ऐसा ब्रश होगा एक, देखिए इसकी हेल्प से आपको सिर्फ इसको ऐसे ब्रश करने का है। अब देखिए इसका शेप, देखिए कैसे बिगड़ा हुआ है, और इसका देखिए, और ये कई लेवल पे अभी बैठ चुका है। अब ये सूखेगा, उसके बाद आपको और 1-2-3 लेयर लगाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि वो स्टिक हुआ है कि नहीं, अगर स्टिक नहीं हुआ होगा तो आपको और 2-3 लेयर लगाना पड़ेगा, वरना तो हो भी जाएगा। जैसे हमने इधर लगाया, हम इसका भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप इसको रिवर्स में लेना मत भूलना। तो अब मैं इसको सूखने दूंगी और फिर हम सेकंड पार्ट के लिए देखें। सो गाइज, मैंने अपने आईब्रो को स्टिक कर दिया, अब मैं इसको कंसीलर से हाइड करूंगी। तो मैं यहाँ पे 2 कंसीलर यूज करने वाली हूँ, एक एलेगल और एक हुडा ब्यूटी का, दोनों करूंगी। उससे हम इसको पहले हाइड कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर सेकेंड लेयर भी लगाऊंगी क्योंकि ये 1 लेयर से हाइड नहीं हो रहा है। आई होप अब हो गया होगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लूज पाउडर लगा दूंगी, थोड़ा सा लगाऊंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मिरर पे गिर गया। लूज पाउडर भी डन हो गया। अब मैं इसके ऊपर जो पेंट है वो स्टार्ट करूं। तो अभी मुझे फर्स्ट हार्ट्स बनाने हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मुझे यहाँ पे पहले हार्ट्स बनाने हैं। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं ट्राई करूँगी मेकअप लुक क्रिएट करने का, तो आप देखिए।
मैं यहाँ पे ये कलर्स यूज करूंगी, पेंट्स यूज करूंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ हार्ट्स बनाना। मैं ब्लैक के लिए लाइनर लगाऊंगी, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से फर्स्ट हार्ट्स बनाऊंगी। ये तो ब्रो ही निकलने आ गया है। इट्स ओके, पर स्टार्ट तो करते हैं हम। मेरा फर्स्ट हार्ट बन गया, आपको दिख रहा होगा। तो हाथ बहुत शेक हो रहा है बनते हुए। मैं ऐसे ही बाकी सब हार्ट्स भी बना दूंगी। इतना डन हो गया। सो मैंने अपने हार्ट्स बना दिए है, अब देख लो। एक बार मैंने हार्ट्स कंप्लीट कर दिया है, अब उसके अंदर फिलिंग करने का है। तो फर्स्ट उसमें ब्लू किया है, तो मैं भी उसकी तरह ही करूँगी। ब्लू पर्पल नहीं, पर्पल ब्लू ग्रीन ऐसा है, तो मैं उसकी जैसे ही जाऊँगी। तो फर्स्ट मैं पर्पल कलर कर देती हूँ, पर्पल कलर। मैंने पर्पल कर दिया है, येलो येलो, ऑरेंज ऑरेंज और रेड। मैं तीनों ओपन ही कर देती हूँ, फिर फटाफट लगा लेती हूँ। येलो कलर ब्राइट है, एकदम चमक रहा है। सो मेरे आईब्रोज डन हो गए, और अब मैं यहाँ पे ब्राउन कलर की हेल्प से आईब्रोज बना दूंगी। यहाँ का भी हो गया है, यहाँ का भी हो गया। अब मैं आईज कर दूंगी। आईज के लिए मैं फर्स्ट ब्लैक कलर का काजल यूज करूंगी, ब्लैक नहीं वाइट। उससे मैं आउटलाइन एक बार मार दूंगी, ताकि वो जब मैं लाइनर यूज करूँ तो मुझे इजी हो थोड़ा सा। और हार्ट्स के अंदर थोड़ा सा ग्लिटर ही है, तो मैं यहाँ पे हाइलाइटर के पैलेट से उसके अंदर ग्लिटर ऐड कर दूंगी। फर्स्ट वो कर लेती हूँ, उसके बाद वो करूँगी। हो गया, अब मैं वाइट कलर का यूज करके आउटलाइन बना दूंगी। मैंने व्हाइट कलर से आउटलाइन कर दिया है, अब तो अब मैं फिल कर देती हूँ। तो मैं इसके लिए कलर फिल कर लूँगी। इसके अंदर फर्स्ट रेड कलर है,
तो मैं रेड कलर करूंगी फर्स्ट। रेड कलर हो गया, उसके बाद ऑरेंज है तो मैं ऑरेंज करूंगी। उसके बाद येलो कलर है, ग्रीन ब्लू एंड पर्पल, तो मैं ग्रीन, एंड लास्ट अब मैं पर्पल कलर कर दूंगी। मेरा आई लुक, आई होप आपको दिखा होगा कैमरे में। उसने आईज के ऊपर स्टोन्स लगाए हैं सिल्वर कलर के, बट मेरे पास स्टोन नहीं है तो मैं ग्लिटर कलर का लाइनर लगा लूंगी, उससे मैं मेरा आई मेकअप कंप्लीट करूंगी। लाइनर भी लग गया है, अब मैं लिप्स और कॉन्टोरिंग कर दूंगी। सो मैंने कॉन्टोरिंग कर दी है हल्की सी, अब मैं लिप्स की तरफ होंगी। अब ब्लैक लिपस्टिक तो किसी के पास नहीं होती, मतलब यूजुअली थोड़े लोगों के पास, पर अब तो नहीं होगी, तो मैं उसके लिए लाइनर यूज़ करूंगी ब्लैक कलर का, और उसके ऊपर फिर से हार्ट्स बनाऊंगी। तो हम पहले अभी आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वन सेकेंड। अभी तो बहुत वियर्ड लग रहा है। आई होप ये टीथ पे ना लगे, बस तो वो ब्लैक हो चुका है। अब मैं इसके पास हार्ट्स बनाऊंगी। लेट मी रिमूव ब्रश, मेरे पास ब्रश है तो मैं इसके ऊपर अब हार्ट्स बना देती हूँ कलर से। सो फर्स्ट चूज में मिडल में ग्रीन कलर है, तो वो मैं भी ग्रीन से ही स्टार्ट करूँगी। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया, मैं ग्रीन से इधर मिडल में हार्ट बनाऊँगी। ये ब्लैक के ऊपर इन लोग ने ब्लू कलर क्यों दिया है मुझे नहीं पता, ब्राइट कलर्स देना चाहिए था जैसे येलो पिंक। येलो अभी दिखेगा क्लियर, सो मेरा फेस मेकअप डन हो चुका है। मैं हल्का सा ब्लश लगाऊंगी, ज्यादा नहीं। यही दो कलर जो मैं हर बार यूज, एंड अब मैं हाइलाइटर लगाऊंगी।
फेस मेकअप डन हो चुका है, तो आप मेरे फोटोज़ अभी नेक्स्ट आएंगे तब देख लेना। तो लास्टली आपको थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाना है नीचे, मैंने फ़ोटो इंसर्ट कर दिया था पीछे, आपने देख ही लिया होगा। तो मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाय।